हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं आज बताता हूँ कि मैथ का पेपर गणित 2020 का गणित का पेपर यूपी बोर्ड 2020 हाई स्कूल का पेपर दोस्तों, क्लास 10 का पेपर है 2020 का दोस्तों। ये मैथ का पेपर अभी 25 फरवरी को यह पेपर हुआ है दोस्तों। चलिए इस वीडियो का मैं सलूशन बतलाता हूँ बहुविकल्पी का दोस्तों, इस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे दोस्तों। चलिए मैं इसका एनालिसिस करनाता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अनुक्रमांक भरना है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों का अनुक्रमांक भरना है, यहाँ पर नाम भरना है, उसके बाद देखिए 822 MB कोड वाला है, ठीक। कोई बहुत बंधु ये पूछ रहे हैं किस यह डिस्ट्रिक्ट का है पेपर, तो यह चंदौली डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2020 गणित का पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, नोट 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में उल्लेख कर दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। चौथा दे दिया गया, पांचवा, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए दोस्तों, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलिए देख लीजिए सब क्वेश्चन, आपको एक एक नंबर का अतिरिक्त प्रश्न है, ठीक दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से केवल एक सही है, सही विकल्प छाड़कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए दोस्तों। चलिए, आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा बोर्ड द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हर के 2m गुणते 5n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। तो बतलाना है आपको, तो इसका आंसर है दोस्तों लगभग 4 हो सकता है, या दोस्तों हमको थोड़ा सा डाउट है कि 2 भी हो सकता है, इसलिए 4 ही हमको लगता है दोस्तों, या 2 होगा, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब आइए ख वाला का देख लीजिए। ख वाला, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यात्मक होंगे दोस्तों, शून्यात्मक होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 4 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 4 होंगे, इसका आंसर 4 है, ठीक। चलिए घ वाला देख लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज है कि AB/DE = BC/EF = AC/DF = 4/9, यानी कि तो ABC का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इसका क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना, आपको एरिया ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक। तो देखिए 4×4=16, 9×9=81, 16/81 आंसर सही होगा, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका, तीसरा सही है ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं घ वाला, sin θ - cos θ = 0, तो sin 4θ + cos 4θ का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यह देखिए sin - cos θ = 0, तो आप मान लीजिए sin θ का मान 45 रख दीजिए, θ का मान 45, तो sin 45 इसका मान 1/√2, तो 1/√2 - 1/√2 = 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा की 45 अंश की वैल्यू सर्टिफाइड कर दी गई दोनों इक्वेशन में, ठीक। तो अब यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/√2 + 1/√2 तो 1/2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 2 × 2 = 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलता हूँ मैं, ठीक। अंग देखिए, तो इसका आंसर 1/2 सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अंग देखिए, बिंदु 3-4 की वाई एच से दूरी क्या है। आप बिंदु वाई एच से दूरी करेंगे तो इसकी इकाई 5 इकाई आएगी दोस्तों। अब ऐसे बना लेंगे, बनाने के बाद इसमें रखेंगे 3-4, 3-4, 5, ये भी एक प्रकार का बन जाएगा विकर्ण, तो आएगा 3-4-5 विकर्ण होता ही है, ठीक, 5 इकाई इसकी आंसर। चलिए आगे,
चलिए दोस्तों, चौ वाला देखिए। 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए आंसर है 12/13 होगा। कौन सा ऑप्शन? 12/13 ऑप्शन होगा यही। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। आप चलिए दोस्तों, दो सभी खंड कीजिए। के किस मान के लिए युग्मक समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + k - 1 = y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है? इसको आपको हल करना, इसके लिए एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चित्र में देखिए। चित्र में आपको यह चित्र यह हल करना है, ठीक, इसके लिए भी एक नंबर दे दिया जाएगा आपको। चलिए इस घ वाला देख लीजिए क्वेश्चन। √3 10 12 काट 45 काट 60 10 78 का मान ज्ञात कीजिए आपको। ठीक, घ वाला, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सभी खंड कीजिए। इसमें सभी खंड करना है आपको। पहला देखिए, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। दोस्तों यह दो नंबर का दिया जाएगा, बहुत आसान है। इसको बता दिया, चलो बता देते हैं। चलिए दोस्तों इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n का मान ज्ञात करना है। ठीक, आज जिसका प्रथम पद 4 अंतिम पद 49, जैसे सूत्र होता है फार्मूला SN बराबर क्या होता है बता सकते हैं? 1/2a + l, यही सूत्र होता है। SN का मान देख लीजिए कितना दे दिया है, 265 दे दिया है यहाँ पर, 265। तो 265 = n/2 दोस्तों। ठीक, चलिए a का मान कितना दिया है, प्रथम पद 4 और अंतिम पद देख लीजिए 49, तो 49। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करना है आपको। 265 5 × 10 6 × 12 = 13 2 × 4 = 5 = n/49 n = देख लीजिए, n का मान हो जाएगा 530/53 53 × 53 यानी कि 10। n का मान कितना आ जाएगा, 10। तो आपकी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। ठीक, चलिए चलिए इस क्वेश्चन का मैंने हल करके बता दिया। इसी तरह दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यदि हल कर दिया जाए तो इसको। चलिए, पी संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इतना आसान सवाल है, आप लोग कर देंगे इसको। ठीक, चलिए ग वाला देखिए। वृत्त के ब्याज AB के शीर्ष a-2-7 तथा b1-11 है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके लिए भी दो नंबर आपको दिया जाएगा दोस्तों। चलिए घ वाला देखिए क्वेश्चन। 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB के केंद्र पर 90° का कोण बनाती है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। ये सबसे आसान है। ठीक दोस्तों, अगले वीडियो में इसको मैं सोल्यूशन कुछ दे दूंगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सभी खंड कीजिए। पहला, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426/576 का मौसम ज्ञात कीजिए। सबसे आसान है, मौसम ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए भी दो नंबर आपको दिए जाएंगे। सिद्ध कीजिए cos 0 + sin 30 + sin 45 sin 90 + cos 60 - cos 45 = 7/4 आपको सिद्ध करना है। ठीक, इसके लिए दो नंबर आपको दिया जाएगा। बिंदुओं 3-3 तथा 9-9 को मिलाने वाली रेखाखंड के समित्र भाग को करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी दो नंबर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक, चलिए घ वाला देखिए प्रश्न। 12 cm त्रिज्या वाले खंड का कोण 120 है। इस त्रिखंड को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इसके दो किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त किया होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। यह भी आपको दो नंबर दे दिया जाएगा। इस प्रश्न के लिए भी दो नंबर। तो इस प्रकार चार क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सभी खंड कीजिए। द्विघात समीकरण बहुपद 6x² - 3 - 7x को शून्यात ज्ञात कीजिए। सबसे आसान द्विघात समीकरण में का है क्वेश्चन, आप लोग ज्ञात कर लेंगे। आइए ख वाला क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह बिंदु से खींची इस पर केंद्र और बाह बिंदु को मिलाने वाली रेखा की बराबर कोण बनाती चित्र में
लिख लीजिए, इसका आंसर हमको 40 के आसपास आ सकता है। मैं इसको हल कर बता दूंगा आपको दूसरे वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, सिद्ध कीजिए, आपको ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है क्या, कास ए बटा के 1/10 ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा के कास ए माइनस साइन ए इक्वल टू कास ए प्लस साइन ए, यानी कि इसके आपको आंसर चाहिए क्या, कास ए प्लस साइन ए, यानी कि 10 का जो है इस 10 वाले को 10 बराबर क्या होता है साइन बटा के कास, इसमें चेंज कर लेंगे आ जाएगा आपका आंसर, 4 नंबर दे दिया जाएगा इसके लिए भी। अब एक आपका मानसिक खपत जागरूकता वाला आपको बतलाना इस क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए इसको लगाना है आपका घ वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं। नंबर 6, सभी खंड कीजिए, आपको सभी खंड करना है। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का त्रिगुणा, यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट दिया जाए, संख्या ज्ञात करना है आपको, इसके नंबर 4 नंबर दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए ख वाला देखिए, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोला गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन इतना है, तो भीतरी व्यास की उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, कमरे का ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक। चलिए इसके भी 4 नंबर दे दिया जाएगा आप लोगों को, यह आया है शंकु बेलन से, ठीक है दोस्तों। चलिए घ वाला देख लीजिए, ये आया है आपका ऊंचाई दूरी से, ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आया आपका, यह भी आपको 4 नंबर इसके लिए भी दे दिया जाएगा, ऊंचाई दूरी से आया है, स्तंभ वाला आया, ठीक। सारणी वाला आया सवाल देख लीजिए, सारणी का निम्न सारणी में 400 निमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है, ठीक। चलिए यह भी आप लोग 4 नंबर का यह भी है आप लोग कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क, युग्मक समीकरण को युग्मक 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 तथा x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखी x अक्ष से बनाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह ग्राफ विधि बनाकर आपको समीकरण ज्ञात करना है, इसके लिए 6 नंबर दे दिया जाएगा आप लोगों को, जब ये बहुत आसान होता है दोस्तों आप लोग कर लेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति और इसे हल करना है दोस्तों, ठीक। चलिए ख वाला देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी खींचे जिसमें ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, अभी का मान त्रिभुज एबी समरूप है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को 3/2 गुनी है, रचना के पद ज्ञात लिखिए, तो यह भी आपको 6 नंबर दे दिया जाएगा दोस्तों इसके लिए भी, ठीक है दोस्तों। चलिए या तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र के मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पष्ट रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्श की माप ज्ञात कीजिए, रचना के पद भी लिखना है दोस्तों आपको। चलिए इसके लिए भी 6 नंबर दे दिया जाएगा। इस प्रकार आपका हाई स्कूल का पेपर मैथ का पेपर जो है खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक। यह मैथ का पेपर, मैथ गणित का पेपर 2020 फरवरी को जो हुआ पेपर आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम दूसरे वीडियो में कुछ वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए दोस्तों जाते समय मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।